उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का बजट सत्र आज शुरू हो गया। सत्र में विपक्ष जहां सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घूरने की कोशिश में है, वहीं राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू होने के बाद सपा तमाम मुद्दों पर भाजपा को घेरने की कोशिश करते हुए जबरदस्त हंगामा कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। जो भी प्रश्न और मुद्दे सही नियम के तहत विधानसभा सचिवालय को प्राप्त होंगे, सरकार हर एक का जवाब देने और उन पर चर्चा करने की पक्षधर है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की चुनाव में मिली जीत के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बजट सत्र के दौरान सदन में रखकर अपनी आगामी योजनाएं बताएगी। इसके साथ ही 26 मई को वर्तमान वित्तीय वर्ष का करीब 6,00,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 24 और 25 को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस बीच आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ लखनऊ पहुंचे। सुबह 10 बजे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के दफ्तर में विधायक पद की शपथ ली। आजम खां ने मुलायम सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है उनके पास मेरा नंबर न हो, इसलिए उन्होंने अब तक हालचाल नहीं लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अब्दुल्ला आजम के बीच विधान भवन कार्यालय में बातचीत जरूर हुई। शपथ ग्रहण के बाद आजम खां तत्काल रामपुर रवाना हो गए। वहीं शिवपाल यादव और अब्दुल्ला आजम सपा के हंगामे में शामिल नहीं है। इसके अलावा दोनों ने लाल टोपी भी नहीं पहनी है और दोनों अपनी सीट पर शांति से बैठे रहे। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक के अलावा बहुजन समाज पार्टी के विधायक और MLC भी प्रदर्शन कर रहे हैं। DRV न्यूज ब्यूरो, मुंबई।